वेलकम चिल्ड्रेन सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम ये वीडियो रे पढ़ा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे प्रचलित थिबा मानसांक प्रश्न सप्तम श्रेणी पुस्तक द्वितीय पाठ गुणनियक आ गुणितक। आम पंचम षष्ठ रे गुणनियक गुणितक पाठ पढ़ीचे। एवं ये मानसांक रे आम तार जो प्रश्न गुड़िक रही तार समाधान करवा। एक नंबर प्रश्न अच्छी गुणनियक दृष्टि संख्या केते प्रकार। आम जाणीजे गुणनियक दृष्टि संख्या होची तीन प्रकार हला स्वतंत्र संख्या मौलिक संख्या आउ जैविक संख्या। एवं क नंबर प्रश्न अच्छी गोटे गुणनियक संख्या आम जो संख्यार गोटे गुणनियक कहार अच्छी ना केवल एक गोटे मात्र गुणनियक अच्छी तेणु गोटे गुणनियक संख्या होची एक। एवं या कहुए कौन एक को कहुए स्वतंत्र संख्या। यह स्वतंत्र संख्या कारण तार गोटे गुणनियक है दुईटी भिन्न भिन्न गुणनियक संख्या दुईटी जो संख्यार दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए कहुए मौलिक संख्या। ताले ये मौलिक संख्या क्यों क्यों संख्या गुड़िक मौलिक संख्या देख मौलिक संख्या मौलिक और जैविक संख्या चार्ट आम चार्ट देखुजे एथिरे जो संख्या गुड़िक ग्रीन अक्षर लिखाई सबुज अक्षर लिखाई से गुड़िक सब मौलिक संख्या देख दुई तीन पाँच सात आउ एगार तेर सतर उन्नीस तेईस अणतीश एकतीस है एगुड़िक सब मौलिक संख्या। दुई रु अधिक भिन्न भिन्न गुणनियक संख्या दुई रु अधिक गुणनियक संख्या कहुए जौगिक संख्या है देख जौगिक संख्या है किए ना चारि जो गुड़िक लाल अक्षर जो संख्या गुड़िक लिखाई एक रु शह भितर एगुड़ी है जौगिक संख्या चार छ आठ नौ दस बार चौद पंदर षोह एवं अठर कोड़े एक बैश पचीस ये सब जौगिक संख्या। दुई नंबर जमज मौलिक संख्या कौन जमज मौलिक संख्या क्या कहुए ना दुईटी मौलिक संख्या मध्य गोटे मात्र जौगिक संख्या रहिले से दुईटी मौलिक संख्या को जमज मौलिक संख्या कहुए जमती तीन और पाँच तीन और पाँच मध्य चार रोच तेणु तीन पाँच है जमज मौलिक संख्या देख एबे शहे भितर थिबा जमज मौलिक संख्या गुड़ी को मध्य आमे देखिपर तीन पाँच देख तीन ओ पाँच पाँच ओ सात है मझे गोटे जैविक संख्या रोज तेणु या कमज मौलिक संख्या। शहे मध्य कतोटी मौलिक संख्या अच्छी एक रु शहे मध्य पचीस टी मौलिक संख्या रही तेज से मौलिक संख्या गुड़िक के सब आम देखा देख शहे मध्य मौलिक संख्या गुड़िक जो पचीस टी रही गोटे है दुई तीन पाँच सात एगार तेर सतर उन्नीस तेईस अणतीश एकतीस सैंतीस एकचाश तेयालीस सतचाश तेपन अणसठी एकसठी सतसठी एकस्तरी तेस्तरी
उनासी तेयासी उनानबे ओ सतानबे ये भली पचीस टी मौलिक संख्या शहे भितर अच्छी। चारि नंबर प्रश्न शहे मध्य केते जोड़ा जमज मौलिक संख्या अच्छे तेबे आमे एबे देखिबा केउ केउ संख्या गुड़िक जमज मौलिक संख्या। देख शहे भितर आमर जमज मौलिक संख्या रही आठ जोड़ा सेगुड़िक है कौन कौन ना तीन ओ पाँच पाँच ओ सात एगार ओ तेर सतर ओ उन्नीस अंतीस ओ एकतीस एकतीस ओ एकचाळीस अणसठ ओ एकसठ एकस्तरी ओ तेस्तरी ये भली भावरे आठ जोड़ा जमज मौलिक संख्या शहे भितर रही। पांच नंबर केउंटी जुग्म ओ जौगिक संख्या जुग्म आउ जौगिक देख जुग्म आउ जौगिक संख्या होती चारि ओ चारि ठारु बृहत्तर दुई द्वारा विभाज्य समस्त संख्या जुग्म आउ जौगिक। छ नंबर अच्छी परिपूर्ण संख्या किए परिपूर्ण संख्या क्या कहा जाए ना जो संख्यार गुणनियक मानक समष्टि से ही संख्यार दुई गुण सह समान बा दुई गुण हुए से संख्या को परिपूर्ण संख्या कहा जाए। उदाहरण स्वरूप आम गोटे देखा देख गोटे संख्या आम नवा बार हला बोले बार रो गुणनियोग है किए ना एक दुई तीन चारि छ बार बार के बार छ दुगुणे बार तीन चौक बार एबे ये गुणनियोग मानको जोग कर बार छ अठर अठर रे चारि मिसले बाईस तीन पचीस छब्बीस सतैश एक अठाईस तेरे बार दुगुणा हूँ चबीश तेणु इ संख्याटी को परिपूर्ण संख्या कहा जाए पार ना चारि नवा चार मौलिक गुण चार गुण सब किए एक दुई और चार चार दुई छ एक सात कि चार दुई गुण हूँ आठ तेणु ये भी नुह पाँच भी नुह छ छ ने देख छ र गुणनीय कहले एक दुई तीन आउ छ ये है छर गुणनीयक तेनाली जोग कर दियो छ तीन नौ दुई एगार एक बार है छ गुणनीयक मानकर जोगफल ये बार छर दुई गुण मध्य बार छ गुण दुई बार तेब छ हूँ एक परिपूर्ण संख्या कारण तार गुणनीयक मानकर जोगफल से संख्यार दुई गुण सहित समान सेमती आउ गोटे संख्या रही आमर परिपूर्ण संख्या अठाईस देख अठाईस ने अठाईस गुणनियोग सब किए से एक दुई एटु चारि सात चौदह आउ अठाईस हैला अठाईस के अठाईस चौदह दुगुणे अठाईस चार सत्ता अठाईस तेले ये गुणनियोग मानकर जोगफल जोग कर देख आठ चार बार बार सात उन्नीस चार तेईस दुई पचीस एक छब्बीस छ रखिला दुई दुई दुमिश चार एक पाँच छप्पन हैला अठाईस र गुणनियोग मानकर जोगफल है छप्पन तेज अठाईस को जदि आम दुई रे गुणवा तेल तार गुणफल छप्पन तेणु अठाईस मध्य एक परिपूर्ण संख्या छ अठाईस एम होती गोटे गोटे परिपूर्ण संख्या। सत नंबर है गोल्ड बाक तथ्य कौन गोल्ड बाक तथ्य है चारि रु बड़ प्रत्येक जुग्म संख्या को
ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ହେଲା, ଚାରିରୁ ବଡ଼ ଯେତେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଛ ହେଲା, ଚାରିରୁ ବଡ଼ କୁହାହେଇଛି, ଚାରିରୁ ବଡ଼ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଛ। ଛକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ନା, ତିନି ଯୋଗ ତିନି, ତିନି ଯୋଗ ତିନି। ହେଲା, ଦୁଇଟି ଯାକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଆଠ, ଆଠକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନା, ତିନି ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ହେଲା। ତେଣୁ ତିନି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ପାଞ୍ଚ ବି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଦଶ, ଦଶକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଇଏ କଲେ ହେଲା, ତିନି ଯୋଗ ସାତ, ତିନି ଯୋଗ ସାତ, ଇଏ ବି ଦଶ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଆଉ ସାତ। ବାର ଦେଖ, ବାର ଦେଖ, ସାତ ପାଞ୍ଚ ବାର ନା ନାଇଁ, ସାତ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ବି ବାର। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଚଉଦ, ଚଉଦକୁ ସେମିତି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ହେବ। ହେଲା, ସାତ ଯୋଗ ସାତ ଯୋଗ ସାତ ହେଲା ଚଉଦ। ଷୋହଳକୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତିନି ଯୋଗ ତେର ହେଲା, ତେର ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତିନି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ ଏଗାର ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ, ଏଗାର ଏଇଟା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଗାର ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ବି ହେବ ଷୋହଳ, ଦୁଇଟି ଯାକ ବି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଏକାଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଠାରୁ ବଡ଼ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ବା ଆଠ ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କେବଳ ତା'ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଶୂନ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି କୋଡ଼ିଏ ଶୂନ ଅଛି, ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବାଇଶ ଅଠେଇଶ ହେଲା, ଆଠ ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା। ନଅ ନମ୍ବର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ, ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯଦି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆମର ବୈଦିକ ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବୀଜାଙ୍କ ତିନି ଛଅ ନଅ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବୀଜାଙ୍କ ବୀଜାଙ୍କ ତିନି ଛଅ ଆଉ ନଅ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୀଜାଙ୍କ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିକିରି ଏକ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବୀଜାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଦଶ ନମ୍ବର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବା ଶୂନ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତା'ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥିବ ନଚେତ୍ ପାଞ୍ଚ ଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ, ଏଗାର ନମ୍ବର ଅଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାର ନମ୍ବର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଓ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କାରଣ ଛଅ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ।
तेणु जो संख्या दुई द्वारा विभाज्य हो उभय तीन द्वारा विभाज्य हो से संख्याटी छ द्वारा विभाज्य हो जमी आम उदाहरण नहीं पार मनकर अठर गोटे संख्या देख य संख्यार एकक स्थान में आठ थी दुई द्वारा विभाज्य हे एवं आठ रे एक मिसले नौ तीन द्वारा विभाज्य हे तेणु जो संख्या दुई आन द्वारा विभाज्य होगा ये अठर मध्य छः द्वारा विभाज्य तेणु जो संख्या दुई द्वारा आन द्वारा विभाज्य से संख्याटी छः द्वारा विभाज्य हे। तेरह नंबर प्रश्न अच्छी क्यों संख्या बार द्वारा विभाज्य देख बार द्वारा कौ संख्या विभाज्य हे ना जो संख्या गुड़िक तीन द्वारा आ चार द्वारा विभाज्य से संख्याटी बार द्वारा उभय तीन द्वारा विभाज्य हो चार द्वारा विभाज्य हो संख्याटी बार द्वारा विभाज्य हे कारण बार संख्या निजे तीन आ चार द्वारा विभाज्य से क्यों संख्या नौ द्वारा विभाज्य जो संख्यार अंक मान समि नौ द्वारा विभाज्य से संख्याटी नौ द्वारा विभाज्य है संख्यार अंक को जो कले यदि नौ द्वारा विभाज्य हम ताले देखो जमती चौवन है यार अंक मान समि के पाँच चार मिसले नौ तेणु ये संख्याटी नौ द्वारा विभाज्य है तेरे या वैदिक गणित आधार में कहींपर जे जो संख्यार बीजाक नौ से संख्याटी नौ द्वारा विभाज्य। पंदर नंबर प्रश्न है जो संख्या क्यों संख्या एगार द्वारा विभाज्य एगार द्वारा विभाज्य सूत्र है कौन जो संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक मान संख्यार अंतरफल शून हुए एगार द्वारा विभाज्य हुए ताहा एगार द्वारा विभाज्य उदाहरण आम नवा जे शहे एक संख्याटी है एगार द्वारा विभाज्य कि नुहे देख आम गोटे लेखे अंक छाड़ी जो कर एकक अंक जोग शतक अंक बोले एक जोग एक समान दुई है मझे दशक दुई रही दुई रु अंतरफल दुई रु दुई गले शून अंतरफल यदि शून है तेल से संख्याटी एगार द्वारा विभाज्य हे सेमती आम ए गोटे संख्या नहीं चे पांच लक्ष चौतीस हजार आठश चौसठ है ये संख्याटी एगार द्वारा विभाज्य के नहीं परीक्षा करवा प्रथम अजुग्म स्थान अंक मानक समि नवा अजुग्म स्थान अंक किए ना देख एकक स्थान अंक बोले चार जोग आठ जोग तीन है ये अजुग्म स्थान अंक अर्थात गोटे लेखाएं छाड़क चार आठ तीन आठ चार बार तीन पंदर होगा एवं जुग्म स्थान अंक किए ना छ चार पाँच या जो कले के हे छार दस पाँच पंदर बोले पंदर रु पंदर वियोग करदे केून तेणु ये संख्याटी एगार द्वारा विभाज्य हम। षोल नंबर प्रश्न क्यों संख्या सात द्वारा विभाज्य देख सात द्वारा गोटे संख्या विभाज्य कि नुहे आम कमी जानवा सूचना दि जा देख संख्यार एकक घर अंक को पाँच द्वारा गुणी गुणफल सहित दशक घर संख्या जोग कले जदि सात द्वारा विभाज्य ताहा सात द्वारा विभाज्य जदि न हुए जदि दशक अंक जोग करापर सात द्वारा विभाज्य न हुए तेबे सात द्वारा भाग करिवा परे जहाँ भाग शेष रहिबो ताकु पुनर्बार पाँच रे गुण करिवा पुणी से गुणफल रे शतक स्थान रे थिबा अंक को जोग करिवा जदि पुणी ताकु सात रे भाग करिवा एवं सेही संख्या जदि सात रे भाग हला ताले से संख्याटी सात द्वारा विभाज्य हेबो। एभळि भावरे अधिक अंक विशिष्ट संख्या को आम सात द्वारा विभाज्य कि नुहे ताहा परीक्षा करि पारिबा देखो उदाहरण रही आम आठश एकसठ को परीक्षा करवा यह सात द्वारा विभाज्य हेबो कि ना देख आठश एकसठ अच्छी प्रथम कहुई कौन ना एकक अंक को पाँच रे गुणवा तेबे एक गुण पाँच केतला पाँच एवं से दशक अंक छ को जोग कर एगार है एगार को एथर सात भाग करवा
एगार हरण सात एगार को सात रे भाग कले सात के सात भागफल एक बढ़ला चार भाग शेष ये चार भाग शेष बढ़ला ये चार को पुणी से पाँच रे गुणीमा कि नंबर पाँच को कह जाए कि नंबर है तेणु चार गुण पाँच है कोड़े है एवं कोड़े शतक स्थान में जो अंक अच्छी ताको जोग करवा कोड़े आठ जोग करवा शतक स्थान आठ अच्छी अठाईस अठाईस को सात हरण कले अठाई सात अविभाज्य सात चौक अठाईस शून बढ़ू तेणु आठश एकसठ संख्याटी सात द्वारा विभाज्य हेब गोटे संख्या अच्छी चार हजार पांचश पंदर या परीक्षा करवा देख ये पाँच को आम एकक स्थान अंक को पाँच रे गुणवा कि नंबर रे तेज पाँच गुण पाँच है केते हला पचीस आ पचीस जो करवा एक दशक अंक केते हला छब्बीस एवं छब्बीस को हरण करवा सात रे सतरिक एक बढ़ला पाँच हला पुणे जो पाँच भाग शेष बढ़ला ये पाँच को आम गुणन करवा कि नंबर पाँच रे पाँच पंचाला पचीस से सहक स्थान अंक को जो करवा पाँच सहक स्थान अच्छे पाँच बोले तीस एवं तीस को हरण करवा सात रे तीस को सात हरण कले के सात चौक अठाईस बढ़ला दुई ये भाग शेष दुई बढ़ला पुणी ताको कि नंबर रे गुणवा बोले दुई गुण पाँच है दस एवं जो हजार स्थान रे चार अच्छी से चार को आम जोग करवा दस चार होगा चौदह चौदह सात द्वारा विभाज्य सात गुणी चौदह तेणु एथर आम जानले जे चार हजार पाँच पंदर संख्याटी सात द्वारा विभाज्य हेब सतर नंबर क्यों संख्या तेर द्वारा विभाज्य हला ये सूचना रही देख तेर की नंबर हूँ चार तेणु या चार से भाया जिन सात आम जमी करवा संख्यार एकक घर अंक को चार द्वारा ग्रहण करवा कारण चार हूँ की नंबर एवं गुणी सारापर दशक घर अंक जिते थोड़ी जोग करवा गुणफल से जोगफल को तेर्रे भाग कर हला तेर द्वारा विभाज्य आम परीक्षा करूचे तेर्रे भाग करवा एवं भाग कलापर भाग शेष जहाँ रु से पुणी भाग शेष को से चार गुण करवा एवं गुणफल शतक स्थान अंक को जोग करवा पुणी ताकू तेर्रे भाग करवा य क्रम संख्या रे जेतोटी अंक अच्छी सबु अंक सरला पर्यंत ई क्रम आम परीक्षा करवा शेष को जदि तेर द्वारा विभाज्य है ताले से संख्याटी तेर द्वारा विभाज्य हेबो तीन सौ एकावन संख्या चार द्वारा विभाज्य तेर द्वारा विभाज्य कि ना परीक्षा करवा देख तीन सौ एकावन तीन सौ एकावन एक को चार गुणवा कि नंबर हूँ चार यार तेर कि नंबर चार तेणु एकक अंक गुण चार सामान चार जोग दशक अंक पाँच सामान होगा नौ हला एवं नौ को तो तेरे भाग करहबन से नौ भाग शेष ताल पुणी कौन करवा ना नौ को गुणीमा पुणी चार नौ गुणन चार है नौ चौक है के छत्तीस नौ चौक छत्तीस एवं ये जोग करवा तीन जोग तीन है छत्तीस तीन जोग कले के अणचाश है अणचाश को आम तेर्रे भाग करवा बोले तेर तीरिक अणचाश है अणचाश तेर द्वारा विभाज्य तेणु तीन सौ एकावन संख्याटी तेर द्वारा विभाज्य आ गोटे उदाहरण एग्जाम्पल रही दुई हजार शहे बतीस को आम परीक्षा करवा यह तेर द्वारा विभाज्य कि नुहे देख से भली दुई को एकक स्थान अंक को चार गुणवा बोले दुई गुण चार सामान के आठ एवं से जो करवा दशक अंक तीन
आठ तीन होगा एगार एगार को तेर हरण करहबनी जदि हरण कर हेनी ताल आम पुणी कौन करवा चारे गुणीदबा एगार चौक है चौरास चौरास जो करवा के शतकहरे जो एक अच्छी बोले चौरास जोग एक पैंचाश पैंचाश को एथर हरण करवा तेर कारण हरण करहब तेर तीरिक अणचाश है बढ़ला के बढ़ला चारे भाग हेस को चारे गुणवा छ गुण चार छौक है चबीश चबीश जो करवा हजार स्थान जो रही दुई जो करवा चबीश दुई जो कले छबिश छबिश तेर द्वारा विभाज्य छबिश हरण तेर सामान दुई तेणु छबिश तेर द्वारा विभाज्य हो दुई हजार शहे बती संख्याटी तेर द्वारा विभाज्य आज वीडियो को ये रखा थैंक यू सो मच।